हर चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, केस डाल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ नेशनल टीवी पे, NDTV सब बड़े बड़े चैनल्स में मैं BJP RSS के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आखिर जिनके लिए लड़ रहा हूँ, जिनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, वही लोग अगर मेरे को अपना नहीं समझ तो मेरी पूरी लड़ाई बेमानी है। आप लोग अगर इजाज़त देते हैं तो इलेक्शन लड़ता हूँ, इंसाफ मेरे साथ करेंगे बोले तो आगे बढ़ता हूँ। ऐसे वक्त में देखो ना, देखो तो क्या मसाइल और हालत को देखकर हम कुछ आगे काम हो सकता है। मेरे को वायदा करते हो साथ देने का बोलो फिर तो हमको पर तो खुशी हमारे भाई की इसमें आए ना, हमको बहुत खुशी हो गई उस दिन। पैर पैर भी गोली मारे मेरे चाचा का लगा, टोला बाशा भी मेरा भाई चाहे हमको वही चाहिए, हमको हमको काबिलियत आदमी चाहिए था हमको मिला, वही बोल रहे हैं। क्योंकि मैं हम पहल कर रहे हैं सर, और मैं 2-3 साल से लोगों को तवज्जो दिलाते आ रहा हूं, एक मौका दियो वरना उसके बाद देखा। हालांकि आपसे तो मुलाकात नहीं है मेरी, मगर फिर भी लोगों को मैं तवज्जो दिला क्योंकि मैं मुतमईन हूँ आपसे। जी फिर आप लोग वादा करना ना साथ देने का। बिल्कुल करना है, आपका ही करना है। पहला सरकार आयर ले, हाँ श्रीमंत्री के राजकीय नल सुन अधिकार श्री कंसला चौकी बंदोरी मार बैठ रहे, जन ज्योति बेलतोरी मार रहे, बढ़ो आगे। इस बार आप लोग सब लोग साथ देते बोले तो आगे बढ़ता हूँ। पार्टी के नाम से इस बार मेरे साथ नाइंसाफी मत करो, मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। आप सब लोग मेरे को वायदा करें तो आगे मैं फेरता हूँ, फेरो हूँ आपके लिए हाजिर है सब इंशाल्लाह। वो सारी चीज़ों को समझ कर आप जो है 5 साल मेरी लड़ाई भी देख रहे हैं, हर चीज़ हारने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ आप लोग इस बार साथ देते बोले तो मैं आगे हिम्मत से बढ़ता हूँ, मैं इंशाल्लाह नहीं करूँगा जी। इस तरीके से हालात और भी बिगड़ सकते हैं, ऐसे हालात को वो फेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शरीयत को भी समझने वाला होना है, वो बात करने वाला है। ऐसे हम डमी कैंडिडेट को जो है पार्टी के नाम पर वो नाम पर कोई कॉर्पोरेटर बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, ये इस चीज़ की अहमियत को समझ गए ना हमारे नौजवान, क्यों इस बात को नहीं समझ रहे, मेरे को बहुत ताज्जुब मालूम हो रहा है। हालात को देखते हुए तो अब तो समझना चाहिए, सही और बहुत ज़रूरत है सर। एक सीट गुलबर्गा जो ये सीट है हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों के अंदर, बीदर के एक रहीम खान साहब एक जीतते हैं, अब वो भी उन्हों किस कितना इशू पे बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो आप नज़र है। ऐसी सीट पर आप छोटे छोटे इशूज पर उन्हों बोले इन्हों बोले हम नहीं मिले बोल के बोल रहे, ये कहीं ना कहीं आप मिल्लत के साथ भी नाइंसाफी है। मैं 2 बार इलेक्शन हार के भी मिल्लत के साथ जुड़े हुए रह रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे साथ भी नाइंसाफी है। पल वे साथ देते हैं इस बार, मेरा वादा है। नासिर हुसैन उस्ताद है मेरा नाम, देख रहे ना हर चीज़, मेरे को इस बार आप लोग जरा खुल के साथ देने का वायदा करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 इलेक्शन हुए हैं, 3रा इलेक्शन है, और भाई कैसा करना इलेक्शन, ठहरना नहीं ठहरना हम ना सर, बिल्कुल सर आप सब लोग साथ देते हैं वायदा करें तो आगे बढ़ सकते हैं। लोगों से पूछने के लिए निकले हैं इलेक्शन ठहरना का नहीं ठहरना, किसके लिए लड़ रहा है, इसीलिए आपसे पूछने आए हैं, इजाज़त लेने हैं, आप साथ देंगे बिल्कुल। बेदार भाग है, 2 इलेक्शन हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ 3रा इलेक्शन में, आसान नहीं है इलेक्शन लड़ को हार के फिर ठहरना आसान नहीं है, फिर भी आपकी हिम्मत है, आप कल देखे आनंद का मामला, एक साल पुरानी गलती है भाई ने आई, कल ये जेवरगी में भी हो सकता है, चितापुर में भी हो सकता है, कौन लड़ने वाला है, घर में बैठ के डराने वाले का साथ नहीं देना, हम भी वही डर रहे बस बस थक गया बनो घर में बैठना हो ना, अब हम जो है कोशिश कोई आप लोग अगर इजाज़त देते हैं तो इलेक्शन लड़ता हूँ, इंसाफ मेरे साथ करेंगे बोले तो आगे बढ़ता हूँ। ऐसे वक्त में देखो ना, देखो तो क्या मसाइल और हालत को देख कर हम कुछ आगे काम हो सकता, जब तक एक नहीं होते क्या नहीं होता। दुआ में शामिल रखिए, वायदा कीजिए मेरा साथ देंगे, मेरा इंसाफ इंसाफ करेंगे, हारने के बावजूद हम भी हमारी कोशिश भी देख रहे हैं। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो पेशे से जो इंजीनियर हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं, आजकल हम देख रहे हैं गुलबर्गी के हालात के हिसाब से
एक अच्छी क़यादत चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो लीडर हैं हमारे नसीर उद्दीन उस्ताद साहब बहुत ही काबिल है, लोगों के मसाइल को जानते हैं, पर्सनल जो है मिल के उनके मसाइल हल करें। पूछता है कि महीना या दो महीने पहले हम देखे जब वो वोटर लिस्ट में से जो है कई लोगों का नाम कट गया था, साहब की क़यादत की वजह से हर महीने में जो है नए लोगों का नाम, नए लोगों की जो है वोटर लिस्ट में नाम आ गए हैं। और इंशाल्लाह जो है हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल जो है साहब को बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत से उनको कामयाबी अदा करें और हम लोगों को एक नया कायद मिले। एक यंग MLA होना है, ये सीट आती है तो वहाँ कुछ काम हम कुछ कर रहे हैं अपनी जगह बजा, एक काम करने वाला ना आपको क्या है, हर चीज़ का नॉलेज है, यंग है, कानून मालूम है, लैंग्वेज आता है आपको, हर चीज़ से फाइट करने वाला। गुलबर्ग में तो मेरे हिसाब से एक ही शख्स है जो ट्रेनिंग से कोई भी काम करना साथ देना इंशाल्लाह जी वायदा है, आप बेफिक्र रहिए, आपका